हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएस दर्पण पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण जो देख रहे हैं, सामान्य ज्ञान दर्पण दिसंबर 2022 का है। दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट प्रिंट जो दिया हुआ है, यहाँ पे नोबेल पुरस्कार भी, और ये जो है वुमेन के जो कप्तान है हरप्रीत कौर, उनका फ़ोटो दिया हुआ है ट्रॉफी के साथ, एशिया कप जो विजेता बना है। और संपूर्ण जो है सार संग्रह हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे दोस्तों, ठीक है। संपूर्ण सार संग्रह को इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे, सामान्य ज्ञान दर्पण दिसंबर 2022 का, ठीक है दोस्तों। और इसका पीडीएफ भी हम प्रोवाइड करा देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसे आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इस वीडियो को जो है दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाला वीडियो दोस्तों सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस सेशन को। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं दोस्तों इस बुक पे, जो सामान्य ज्ञान दर्पण है, दिखा रहे हैं आपको फर्स्ट पृष्ठ जो देख सकते हैं यहाँ पे दिया है। स्वदेशी हल्के जो है लड़ाकू हेलीकॉप्टर जो है प्रचंड वायुसेना में शामिल हुआ है, देख सकते हैं फर्स्ट पृष्ठ जो है। इसमें जो है नोबेल प्राइज़ दिया हुआ, उसका भी एक विशेष पृष्ठ दिया हुआ है नोबेल प्राइज़ का, उसका भी हम लोग करेंगे, ठीक है। और देख सकते हैं यहाँ पे एशिया वोमेन जो है एशिया कप जीती है इंडिया, उसका ट्रॉफी लेके हरमनप्रीत कौर है यहाँ पे, ठीक है। ये है, देख सकते हैं यहाँ पे है जो दिसंबर 2022 का है दोस्तों, ठीक है। इसको हम लोग इसमें हम लोग पहले करेंगे जो है कि सार संग्रह कम्प्लीट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं जो सारभूत जो है तत्व को सा चुका है दोस्तों। इसमें हम लोग प्रथम है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, इसमें टोटल जो दोस्तों क्वेश्चन 130 क्वेश्चन है, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे इस सेशन में, ठीक है दोस्तों। एक भी नहीं छूटने वाला है इसमें, इस बार 130 क्वेश्चन होगा इस वीडियो में, ठीक है। तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए दोस्तों, ठीक है। तो देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं, प्रथम जो है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति क्वेश्चन है इसका दोस्तों। क्वेश्चन है कि किस जो है प्रागैतिहासिक काल में जो है आग का आविष्कार हुआ था, किस प्रागैतिहासिक काल में जो है आग का आविष्कार हुआ था, पूरा पाषाण काल में हुआ था दोस्तों, ठीक है, पूरा पाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम जो है ऐतिहासिक पुस्तक का जो है दर्जा किसे प्राप्त है, राज तरंगनी को प्राप्त है। किसके द्वारा लिखा गया है, कलहन के द्वारा लिखा गया है राज तरंगनी पुस्तक, जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है राजतरंगनी में। नेक्स्ट है कि अंकोटवाट का मंजिल जो है, अंकोटवाट का मंदिर जो है कंबोडिया में स्थित है, इसे किसने निर्माण करवाया था, तो राजा सूर्यवर्मा द्वितीय करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य सम्राट अशोक ने जो है आजीवकों के रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में चार गुफाएँ का निर्माण करवाए थे, जिनका क्या नाम था, एक का नाम था कर्ज, चोपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी नाम था। ये चार झोपड़ी जो अशोक ने बनाए थे आजीवकों के रहने के लिए। नेक्स्ट है कि चोल राजा जो था राजराज प्रथम जो शैव धर्म के अनुयायी थे, उसने तंजौर में किस मंदिर का निर्माण करवाए थे, राजराजेश्वर का जो शिव मंदिर है उसका निर्माण करवाए थे चोल शासक राजराज प्रथम। नेक्स्ट है किस चंदेल शासक के जो है राजदरबार में अल्लाह उदल नामक दो सेनानायक निवास करते थे, परम दृढ़देव के जो है दरबार में अल्लाह और उदल नामक दो जो है सेनानायक निवास करते थे। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था, अली तथा गुरसास्प नाम था उनका। विजयनगर के जो है किस हिंदू सम्राट ने जो है नागलपुर नामक नए नगर तथा हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था, कृष्णदेव राय करवाए थे। कौन सा मुगल सम्राट जो है नगारा बजाता था, अकबर था। शिवाजी ने जो है रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर किस माप की व्यवस्था की थी, काठी एवं मानक जो है छड़ी की व्यवस्था किए थे। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। क्वेश्चन है कि अंग्रेजों द्वारा जो है भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जेवी कृपलानी थे। सुभाष चंद्र बोस ने कब जो है सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया, जिसकी जर्मनी व जापान में भी समर्थन किया गया था, 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था,
11 अप्रैल 1936 ईस्वी को। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने कब दिल्ली में जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है खाली बेंच पर बम फेंका था? 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। नेक्स्ट है कि चिंद्र सन्याल ने किस नगर में जो है 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किए थे? कानपुर में। किसने जो है 31 अक्टूबर 1920 को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी अल्ट्यूक की जो है स्थापना किए थे? एनएम जोशी किए थे। किस क्रांतिकारी ने जो है विलियम कर्जन वाइली की 1 जुलाई 1909 को गोली मारकर हत्या कर दी थी? मदन लाल ढींगरा किए थे। 1 जुलाई 1909 को जो है विलियम कर्जन वाइली को जो है गोली मारकर हत्या कर दिए थे मदन लाल ढींगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंदन में कब जो है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किए थे? 1905 में किए थे। बंगाल क्रांतिकारियों में से किसने जो है 1905 में भवानी मंदिर नामक पुस्तक लिखी थी? वरिंद्र कुमार घोष लिखे थे भवानी मंदिर नामक पुस्तक। किसने 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी? मोहम्मद अली और शौकत अली किए थे खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 में। नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। इसका क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका को जो है संविधान सभा ने स्वीकार किया था कब? 22 जनवरी 1947 को। किस वर्ष जो है राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी? 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाए जाने का प्रावधान किया गया है 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा किया गया है कि एक व्यक्ति जो है दो या दो से अधिक राज्य के राज्यपाल बनाए जा सकते हैं। पहली बार जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी तो वह किस सदन की सदस्य थी? राज्यसभा की सदस्य थी। किसके अंतर्गत जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है? अनुच्छेद 55 के तहत होता है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 1957 में किया गया था बलवंत राय मेहता समिति। भारत में न्यायिक पूर्वालोकन का सिद्धांत किस सिद्धांत के संविधान से लिया गया है? न्यायिक पूर्वालोकन का सिद्धांत जो है किस देश से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान का वह भाग जिसे राज्य का संविधान कहा जाता है भाग 6 को कहा जाता है। किस आर्टिकल में जो है किस अनुच्छेद में वर्णन मिलता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है? अनुच्छेद 1 में मिलता है। लिखित संविधान की अवधारणा जो है किस देश से की गई है? फ्रांस से ली गई है लिखित। नेक्स्ट टॉपिक है पर्यावरण एवं जैव विविधता। क्वेश्चन है कि एक तालाब के जो है पारिस्थितिक तंत्र का जीव भार पिरामिड कैसा बनेगा? उल्टा बनता है। पारिस्थितिकी जो है निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो है किस तिथि को जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। समुद्री जो है वातावरण में मुख्य प्राथमिक जो है उत्पाद होते हैं कैसा होता है दोस्तों? तो फाइटोप्लैन कांटोन्स होता है। नेक्स्ट है कि जो है मानव गतिविधियों से जो है परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाते हैं? एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाते हैं। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लू माउंटेन जो है राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? मिजोरम में स्थित है। यूनेस्को ने जो है जैव विविधता के संरक्षण हेतु मानव एवं जैव मंडल जो है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो है कार्यक्रम की शुरुआत कब किया है? 1971 में किया है। IUCN की जो है रेड डाटा बुक में जो है संकटापन जीवों को किस रंग के पृष्ठों पर जो है दर्शाया जाता है? जीवों को जो है गुलाबी पृष्ठ पर दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है कि एरिड जो है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। जोधपुर कहाँ पड़ता है दोस्तों? राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन एवं आपदा। इसका क्वेश्चन है दोस्तों
कि भूपर्पटी जो है यानी क्रस्ट में जो सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है, जिसको हम लोग O2 से डिनोट करते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण जो है अभियांत्रिकी शोध संस्थान जो है अवस्थित कहाँ पे है? नागपुर में है। वायुमंडल में जो है उपस्थित ओजोन पर अवशोषित जो है करती है किस चीज़ को? अल्ट्रावायलेट रे को करती है। वायुमंडल में उपस्थित जो ओजोन परत है जिसको O3 हम लोग डिनोट करते हैं O3 से, वह क्या चीज़ को अवशोषित करती है? सूर्य के जो किरण से आती है अल्ट्रावायलेट रे जो होती है किरण, उसको अवशोषित कर लेती है, उससे हम लोग को बचाती है। वह कौन सा जो है पादप समूह जो वायु में SO2 के प्रदूषक के सूचक की तरह प्रयुक्त हो सकता है? लाइकेन है। विश्व मौसम विज्ञान जो है संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? जेनेवा में स्थित है। जेनेवा जो है स्विट्जरलैंड में पड़ता है दोस्तों। एगमार्क जो है एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? 1937 ईस्वी में लागू किया गया था। एजेंडा 21 की सही जो है परिभाषा कौन सी है? यह जो है 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल 500 जो है पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है। जलवायु परिवर्तन पे जो है भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी? 2008 में जो है जलवायु परिवर्तन पे भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना को लोकार्पित किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय जो है भारत एवं विश्व का भूगोल। इसका क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका में जो है चिली अर्जेंटीना की सीमा पर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? ओजस डेल सलाडो है, जो एंडीज पर्वतमाला पर है। किस महाद्वीप को जो है द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस एवं प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कौन सा है? बोलविया है। मध्य एशिया के जो है स्टेपी क्षेत्र में जो है निवासी जो है खिरगिज कालमुख और कज़ाक द्वारा जो है पशुओं की खालों से निर्मित अस्थायी मानव आवास क्या कहलाता है? यूर्त कहलाता है। भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जो है कौन सी जलधारा से जोड़ी जाती है? जिब्राल्टर की जलसंधि से जोड़ती है। भारत की जो है स्थल सीमा कुल कितनी लंबाई है? 15,200 किलोमीटर है। कौन सी पहाड़ी जो है भारत को म्यांमार से अलग करती है? पटकाई की पहाड़ी जो है दोस्तों भारत को म्यांमार से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतपुड़ा की पहाड़ियां जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, ये किस प्रकार की चट्टाने से निर्मित है? ज्वालामुखी चट्टानों से निर्मित है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील है। भारतीय जो है विमान पतन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? 1 अप्रैल 1995 को किया गया था भारतीय विमान पतन प्राधिकरण का। नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन है कि भारत में जो है स्वतंत्रता से पहले निर्धनता की अवधारणा कब विचार किया गया था? दादा भाई नौरोजी का विचार किया था। निर्धनता के विचार किसने किया था स्वतंत्रता से पहले? दादा भाई नौरोजी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी फसल का वह न्यूनतम मूल्य जिसे सरकार द्वारा किसानों के पारिश्रमिक जो है पारिश्रमिक के तौर पर स्वीकार किया जाता है क्या कहलाता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य कहलाता है, MSP कहते हैं। व्यक्ति जो है गणना अनुपात विधि किससे संबंधित है? निर्धनता रेखा से नीचे के जना अनुपात से संबंधित है। भारत सरकार द्वारा हाल ही में जो है नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी? 8 नवंबर 2016 को की गई थी। किस वर्ष तक जो है भारतीय रुपया 16 आने में विभाजित था? 1957 तक विभाजित था। किस वर्ष जो है राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हुआ था जिसके प्रथम अध्यक्ष जो है सोमपाल थे? जनवरी 2004 में हुआ था। कब हुआ था? जनवरी 2004 में। देश को विश्व का पसंदीदा जो है मैन्युफैक्चरिंग हब बनाकर जो है औद्योगिक विकास की गति तेज करने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो है शुरुआत कब किया था? 25 सितंबर 2014 को।
किस वर्ष से जो है गैट की अस्थायी समाप्त कर उसका स्थान जो है विश्व व्यापार संगठन यानी WHO ने ले लिया था, 1 जनवरी 1995 को। भारत की जो है मुख्य फसल कौन सी है? चावल है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की स्थापना कब जो है ब्रिटेन वुड सम्मेलन के निर्माण जो है निर्णय के आधार पर हुई थी? 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। नेक्स्ट टॉपिक है सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी। क्वेश्चन है कि वाहनों में जो है पश्च दृश्य जो है दर्पणों के रूप में प्रयुक्त होने वाला दर्पण कौन है, यानी पीछे के दृश्य को देखने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त किया जाता है वाहनों में? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। बायोगैस में मुख्यतः होता है मीथेन होता है, CH4 होता है। प्रकाश को जो है सूर्य से पृथ्वी तक आने में औसतन कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है। कौन सा जो है उपकरण ध्वनि की तीव्रता मापने में काम आता है? ऑडियोमीटर आता है। धोबन सोडा या सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। आइसोप्रीन एक बहुलक होता है, यह जो है थर्मोप्लास्टिक है। यह गुण जो है रबर के किस प्रकार का है? रबर का जो है किस प्रकार का है? प्राकृतिक रबर है। गैस बेल्डिंग के लिए जो है किस गैस का उपयोग किया जाता है? एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है गैस बेल्डिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस धातु को जो है सफ़ेद सोना कहा जाता है? प्लैटिनम को कहा जाता है। एक सरल लोलक का जो है आवर्तकाल निर्भर करती है उसकी लंबाई पर। किसी वस्तु पर जो है कार्य करने वाला बल समानुपाती होता है संवेग परिवर्तन की दर पे जो है समानुपाती होता है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो ये दोस्तों जो CET जो करते हैं दोस्तों, जो यानी शिक्षा से संबंधित जो है जो टीचर वाले होते हैं उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। सिर्फ टीचर के एग्ज़ाम में ही ये पूछा जाता है शिक्षा शास्त्र, ठीक है दोस्तों। तो वो जितने स्टूडेंट हैं उसे आप लोग इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। हम जो है टेलीग्राम पे लिंक दे दिए हैं, वहाँ पे PDF भी प्रोवाइड करा दिए हैं, उसे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये कंपटीशन के लिए नहीं है, ओनली फॉर जो टीचर हैं BA DLED उन लोग के लिए है। ये सबसे महत्वपूर्ण, ये 10 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है उन लोग के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों कृषि। कृषि जो है दोस्तों इसका क्वेश्चन है भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा था? MS राघवन लिखे थे, MS रंधावा लिखे थे। भारत में जो है एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स जो है कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? 20 है। नई सुधारी गई ऊसर में हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल कौन सी है? ढेंचा। माही सुगंध प्रजाति किसकी है? धान की एक फसल है। पीली पीत क्रांति जो है फसल के उत्पादन से संबंधित है? तिलहन उत्पादन से। भारत में सबसे अधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है। भारत में जो है काला सोना के रूप में जाना जाता है कोयला को। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तिरुचिरापल्ली है जो तमिलनाडु में पड़ता है। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 किनके अनुपातिक है? जो शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 किसकी जो है अनुपातिक परिवर्तन फसल है? मक्का का है। विश्व में जो है सबसे अधिक सब्जी का उत्पादन किस देश में होता है? चीन में सबसे ज़्यादा जो है सब्जी का उत्पादन होता है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों खेलकूद। क्वेश्चन है कि किस महिला महानतम जो है क्रिकेट खिलाड़ी ने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? मिताली राज। भारत के किस शतरंज खिलाड़ी को जो है वैश्विक संचालन संस्था FIDE के उपाध्यक्ष चुना गया है? विश्वनाथ आनंद को चुना गया है, जो प्रथम जो है शतरंज खेल में ग्रैंड मास्टर बने थे विश्वनाथ आनंद। बांग्लादेश का जो है राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी है। एशियाई खेल संघ का प्रतीक चिन्ह क्या है? चमकता सूर्य है। सज्जनों का खेल द जेंटलमैंस गेम्स कहा जाता है क्रिकेट को। CK नायडू पुरस्कार संबंधित है क्रिकेट से। भारत सरकार द्वारा खेल प्रतिरक्षकों को दिए जाने वाला द्रोणाचार्य पुरस्कार पहली बार किस वर्ष दिया गया था? 1985 में दिया गया था। राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? 1934 में लिया था।
और राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन पहली बार कब हुआ था? 1930 ईस्वी में हुआ था और यह प्रत्येक 4 वर्षों में होता है, 4 वर्षों के उपरांत में होता है। दूसरी जो हुई थी राष्ट्रमंडल खेल, उसी में भारत ने भाग लिया था 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ सॉर्ट ऑफ हिस्ट्री, ए सॉर्ट ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक का संबंध किस खिलाड़ी से है? अभिनव बिंद्रा से है, इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। एशियाई जो है खेल का प्रारंभ 4 मार्च 1951 में कहाँ की गई थी? नई दिल्ली में की गई थी 1951 में। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों कंप्यूटर ज्ञान, ये RRB के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है एंड दिल्ली पुलिस में भी 10 क्वेश्चन इससे पूछता ही पूछता है। कीबोर्ड के जो है केबल को कंप्यूटर के जिस पोर्ट पर लगाते हैं वह है USB पोर्ट है। ब्लॉग शब्द किन 2 शब्दों का संयोजन है? वो है वेब लॉग है। नेक्स्ट है विधि वाहिनी जो है, विधि वाहिनी परियोजना किस पर बल देती है? कंप्यूटर शिक्षा पर। एक डिजिटल घड़ी में क्या प्रयुक्त होता है? एम्बेडेड कंप्यूटर उपयुक्त होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है उदाहरण है किसका? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। इंडेक्स होल किससे संबंधित है? फ्लॉपी डिस्क से संबंधित है। ट्रांजिस्टर जो है इंटीग्रेटेड सर्किट जो है कंपाइलर तथा आंकड़े प्रविष्ट की युक्ति में जो है सॉफ्टवेयर है कंपाइलर। द्विआधारी यानी बाइनरी संख्याएं हैं 0 और 1 है। साइबर लॉ की शब्दवाली जो है डॉस का अर्थ क्या है? डिनायल ऑफ सर्विस। माइक्रोवेव ओवन में जो है जिस माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग होता है वह है मैग्नेट्रॉन ट्यूब है। क्या है दोस्तों? मैग्नेट्रॉन ट्यूब। नेक्स्ट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है दोस्तों विविध, ठीक है इसको देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय धातु जो है विज्ञान के प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय धातु विज्ञान की प्रयोगशाला जमशेदपुर में है। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। गेहूं का टुंडू रोग जो है धान का अंगमारी रोग तथा आलू का शिथिल रोग जो है जीवाणु जनित रोग है। कैसा रोग है? जीवाणु जनित रोग है। और नेक्स्ट है अब शेष पृष्ठ जो है 92 पे हम लोग चलते हैं दोस्तों, वहाँ पे और नेक्स्ट दिया हुआ है 23 के बाद हम लोग शेष पृष्ठ पे आ चुके हैं दोस्तों, जो 41 पेज का था 123 तक हो चुका था, तो 124 नंबर है। विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, प्रदान किया जाता है फिलीपींस सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। वह देश जिसे सिविल सेवा जो है प्रतियोगिता शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? चीन को। वह देश जिसे सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने का श्रेय दिया जाता है कौन सा देश है? चीन है। डायट किस देश की संसद है? जापान की संसद है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस। संयुक्त नौसेना अभ्यास जो है वरुण किन देशों से संबंधित है? भारत और फ्रांस के बीच है। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल है चैत्रा भूमि। क्या है दोस्तों? चैत्रा भूमि है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया हो। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट शिफ्ट में लेकर आएंगे हम लोग दोस्तों जो समसामयिक की है सामान्य ज्ञान, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट में, जब तक के लिए धन्यवाद।